जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत चौहान। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बर्नर क्लिपर को कैसे देखें या सीखें। तो आज के वीडियो में मैं इसी पे वीडियो बनाऊंगा कि आप बर्नर है कि कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बर्नियर क्लिपर लिया हूँ, मैं इसको बतलाऊँगा आप लोग कैसे इसे देखते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार इसका बर्नियर नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों, इसका खोज बर्नियर क्लिपर का खोज 1930 ईस्वी में हुआ था, जो कि पियरे बर्नियर ने किया था। पियरे जो कि हमारे वैज्ञानिक का नाम था, पियरे बर्नियर, जो कि उसी के नाम पे है कि इसका नाम पड़ा। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि बर्नियर कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बर्नियर को हम चेक कर लेंगे कोई बर्नियर में हमारे त्रुटि तो नहीं है या प्ले तो नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों, आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि नीचे का जीरो और ये ऊपर का जीरो का लाइन जो है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन सेम मिलना चाहिए, एकदम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आगे है या पीछे है, अगर दोस्तों थोड़ा सा भी डिस्टेंस मतलब इधर उधर हो तो उस बर्नियर से रीडिंग नहीं लेनी है। वो बर्नियर हमारा मतलब उस बर्नियर में प्ले है, तो उस बर्नियर से हमको कोई भी रीडिंग नहीं लेनी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इस बर्नियर बिल्कुल हमारा सही है, तो आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि दोस्तों आखिर करके बर्नियर कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, जो आप लोग देख सकते हैं ए जीरो से लेकर के हमारा जो बर्नियर है यहाँ तक जो है कि मेन बर्नियर स्केल बोलते हैं, ए जो है यहाँ से और लंबाई यहाँ तक इसे बर्नियर स्केल बोलते हैं। और दोस्तों, जो ये है ये शून्य से लेकर के और टेन तक है, इसे ए मेन स्केल हो गया दोस्तों, ये मेन स्केल हो गया। और दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, इस एक शून्य से लेकर के और दूसरे वाली लाइन के बीच का जो दूरी है वो दोस्तों हमारा 0. कितना इसमें गैप रहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसमें दोस्तों गैप रहता है 0.02 mm का गैप रहता है दोस्तों। देखिए इतना गैप रहता है हमारा इसमें, जो दोस्तों देखिए नीचे वाला लाइन में 1.0 से लेकर और सेकेंड वाला जो लाइन है इसके बीच में का दूरी जो होता है दोस्तों 0.02 mm होता है। और दोस्तों मेन हमारा दोस्तों यही है, मेन स्केल इसी को बोलते हैं। अगर दोस्तों ये समझ गए तो सोचिए आप कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इसी को लिए बस बताऊंगा कि बर्नियर कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो ए हो गया ना, ए हमारा हो गया आउटसाइड नापने के लिए, जैसे कि आउटसाइड नापने के लिए। और दोस्तों ए हो गया जो, इसको बता देंगे आगे बता देंगे इसको क्या बोलते हैं। और इसको हम आउटसाइड नापते हैं और इससे इनसाइड नापते हैं। अब आउटसाइड इनसाइड किसे बोलते हैं वो भी मतलब बताएंगे, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हो गया जो यहाँ से और यहाँ तक वो आउटसाइड हो गया। और दोस्तों जो इसके अंदर का दूरी हो गया उसे इनसाइड बोलते हैं। तो दोस्तों मैं चेक करके बता रहा हूँ कि बर्नियर mm, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक 70 mm का पाना है, देखिए दोस्तों 70 mm, तो ये जो हमारा इनसाइड है ये 17 mm होगा। देखिए चेक करते हैं क्या 17 mm है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये 17 mm का ही है, थोड़ा सा दोस्तों ये 17 mm का ही है। तो दोस्तों ये इनसाइड हो गया और आउटसाइड दोस्तों देखिए, अब ये तो हो गया इनसाइड नापने के लिए। और दोस्तों इससे हम आउटसाइड दोस्तों बाहर कहीं से को हम आउटसाइड बोलते हैं। तो देखो दोस्तों ये हमारा हो गया आउटसाइड। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि कितना है आखिरकार, ये तो हमारा ये हो गया 17 mm था और आउटसाइड हम देखते हैं
आप लोगों को बताऊंगा इनसाइड नापने के लिए और आउटसाइड नापने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये हो गया हमारा जो लाइन है 10 mm, जो 10 mm है, ये देखिए दोस्तों, ये जो 10 mm का लाइन है और 0 का लाइन जो परफेक्ट मिल रहा है, देखिए दोस्तों परफेक्ट मिल रहा है। तो परफेक्ट अगर मिल गया आपका दोस्तों तो 10 mm होगा। अगर दोस्तों 10 का लाइन से अगर इधर है दोस्तों, देखिए इधर है, अगर ऐसा रहे तो दोस्तों वो कितना होगा मेन, देखिए दोस्तों अगर यही मेन पॉइंट है, ये समझ गए तो सोचिएगा आप कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, अभी 10 mm है, 10 मैं यहाँ 10 mm लिख लेता हूँ। उसके बाद अब देखेंगे दोस्तों कि 10 mm से आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि ये 10 mm से आगे है। तो 10 mm के आगे अब देखेंगे इधर जो है 0 से लेकर के 10 mm के बीच में कौन सा लाइन मिल रहा है। दोस्तों पहले चेक करेंगे 0 तो मिल नहीं रहा है हमारा। अब 1 देखेंगे, 1 नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों ये 1 लाइनिंग में मिलना चाहिए, लाइनिंग में जो मिलेगा वो हो गया। देखिए दोस्तों 1 नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है, 5 देखिए दोस्तों यही, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ 5 है जो मेरा मिल रहा है, 5 मिल रहा है दोस्तों, यहाँ 5 मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, इसी प्रकार 7 भी नहीं मिलेगा, 8 भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ 5 मिलेगा। यहाँ हम लिख देंगे 10.5 mm जो है यहाँ है। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर हमारा दोस्तों अगर यहाँ पे अगर वर्नियर है, अगर 20 के लाइन पे अगर मिल जाता है तो दोस्तों ये 20 mm है। अगर 20 का आगे है दोस्तों, आगे थोड़ा सा भी आगे है तो कितना होगा। तो सबसे पहले अगर दोस्तों देख सकते हैं ये 20 mm हो गया, 20 mm हो गया, और दोस्तों 20 की 21 mm, और दोनों के बीच में है, 21 तो हो नहीं सकता है, और 20 का आगे है तो 20 यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ 20 लिख लेते हैं और पॉइंट ले। अब देखते हैं दोस्तों कि नीचे वाला जो हमारा ये मेन स्केल है वो किस लाइन से मिल रहा है दोस्तों। तो 1 नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है, यहाँ 5 भी नहीं मिल रहा है, 6 भी नहीं मिल रहा है दोस्तों, यहाँ 7 भी नहीं मिल रहा है, 8 भी नहीं मिल रहा है, सॉरी यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ 6 मिल रहा है हमारा लाइन, 6 जो है 50 जो है 50 के लाइन से मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है। तो हमारा ये कितना हो गया, ये 20.6 mm का है जो अभी रीडिंग है। तो दोस्तों इसी प्रकार वर्नियर देखते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।